ओम शांति। बाबा कहते संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए बाबा युक्ति बताते। किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो, वह राइट है। लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव, यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। खुद सेफ रहो, लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो, अर्थात दूसरों का जज नहीं बनना, स्वयं का जज बनकर स्वयं की कमी कमजोरियों को दूर करना, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं कि स्वभाव संस्कारों को देख किसी से भी किनारा करना, यह भी जैसे घृणा क्रोध का अंश है। इस रॉयल शब्द को भी समाप्त करो, खुद को परिवर्तन कर, दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, दूसरों को परमात्म शक्तियों की सकाश देना, यही हमारा ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो आज विशेष हम अमृत वेला में अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे, मैं सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं सेवा द्वारा खुशी शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। जब अमृत बेले से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए आत्माओं की सेवा कर खुशी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार, अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा बाप समान, निस्वार्थ निर्विकल्प सेवा करने वाली, पिता शिव की मददगार,
श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिवान पिता शिव की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूं। मुझ में बाप दादा द्वारा प्रदान की हुई अनमोल सर्वशक्तियां समाहित हैं। परमात्म शक्तियों के रहते मुझ पर कैसी भी आसुरी विनाशी शक्तियां प्रहार नहीं कर सकती। ये परमात्म शक्तियां सदैव छत्र छाया बनकर मेरी रक्षक, मेरी मददगार मेरे साथ रहती हैं। मेरा विघ्न विनाशक स्वरूप सहज ही मुझे सर्व विघ्नों से पार करा देता है। मुझ आत्मा के शक्तिशाली वाइब्रेशंस मेरे चारों ओर का वायुमंडल
शक्तिशाली बना देते हैं। इस वायुमंडल में आने वाली हरेक आत्मा स्वयं को परमात्म शक्तियों से भरपूर अनुभव करने लगती हैं। उनके भी विघ्न सहज और स्वतः ही मिट जाते हैं। वे आत्माएं मन ही मन इन शक्तियों के स्रोत का शुक्रिया करती हैं। दुआएं देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो अनुभव करें, मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली। पुण्य आत्मा हूं। मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। बाबा कहते सेवा का प्रत्यक्ष फल आप ब्राह्मणों को खुशी और शक्ति मिलती है।
परमात्म सेवा आप आत्माओं को। बाप के वर्षे का अधिकारी स्वतः और सहज बना देती है। बाबा कहते सेवा आप ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। यह पुण्य का काम है। जो बच्चा सेवा करता है अर्थात पुण्य करता है। उसको सर्व की आशीर्वाद स्वतः और सहज प्राप्त होती है। सभी आत्माओं को जो सुख शांति और खुशी मिलती है। उनके खुशी के जो संकल्प होते हैं। वह शुभ संकल्प आपके लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। वर्तमान में प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। साथ साथ भविष्य में जमा का खाता भी बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते सदा अपने को सेवाधारी समझ। सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। सदा पुण्य आत्मा की सीट पर सेट रहकर
हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए। एक एक आत्मा को बाबा का परिचय दो। उन्हें अविनाशी सुख और शांति का रास्ता बताओ। तो अनुभव करें, मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली। पुण्य आत्मा हूं। मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली। पुण्य आत्मा हूं। मैं आत्मा सदा अल्माइटी अथॉरिटी। सर्वशक्तिमान शिव पिता की छत्र छाया में। पलने वाला बाप दादा का अति प्रिय सिखिलदा बच्चा हूं। मैं ही आसुरी संस्कारों का विनाश कर। असुरों पर विजय प्राप्त करने वाली। असुर संघारिणी महाकाली हूं।
मेरे महाकाली स्वरूप के आगे। संसार की कोई भी आसुरी प्रवृत्ति कोई भी टोने टोकटे तंत्र मंत्र प्रभावहीन हो जाते हैं। दुखदायी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के मलेच्छ मनुष्यों को मेरा महाकाली स्वरूप पल में भस्म कर देता है। मैं निर्भीक हूं, निर्भय हूं। मेरे दर्शन मात्र से एक एक आत्मा आसुरी संस्कारों से आसुरी वृत्तियों से स्वतः और सहज मुक्त हो जाती है। वे आत्माएं परमात्म शक्तियों की अनुभूति कर दुख अशांति से स्वतः और सहज मुक्त हो जाती है। मेरे दर्शन मात्र से हर्षित और उमंग उत्साह से भर जाती है। उनके खुशी के संकल्प शुभ संकल्प दुआएं आशीर्वाद बन मेरी छत्र छाया बन जाते हैं।
मुझे प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। और भविष्य का जमा भी बढ़ता जाता है। तो अनुभव करें, मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में नए पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।